गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सबीना नूर ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो गाइस, अभी शाम का टाइम है, 5 बज रहा है और आज हम ना बाहर निकले हुए घूमने के लिए, क्योंकि घर में रहते रहते ना इंसान बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। और हम ना 2 दिन से टेंशन में चल रहे हैं। पिछले का व्लॉग आप लोग देखे थे कि यूट्यूब को लेकर मेरे मतलब प्रॉब्लम हो गया है, जिसके कारण थोड़ा सा हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और तो गाइस देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये हरा भरा घास। और अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो ये इसी तरह से रहेगा। और अचानक पता है हम आ रहे थे तो इस पेड़ को देख कर के लगा कि ये अमरूद का पेड़ है। तो फिर जब देखे, पूरा घूम के देखो, इधर इधर पूरा फैला हुआ है, देख रहे हैं ना। और अभी पूरा 2 महीना तक ये हरा हरा रहेगा, क्योंकि बारिश का सीजन है और सावन का मौसम है। तो कहा गया ना, सावन का मौसम में पूरा हरियाली रहता है। तो ये देखो, चारों साइड हरियाली है। अभी हम आए हुए हैं बाहर में, देख सकते हैं अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो पूरा हरा हरा खेत बाड़ी सब कुछ हरा हरा है। और अभी ना हम आप सबसे ब्लॉग में कुछ ज़रूरी बात करेंगे, और बाकी यूट्यूब का जो मैटर था मेरा वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। 2-3 लोग से हम बात किए हैं, जहाँ तक जो समझ में आया है बात किए हैं। देखो, बार बार हंसा दे रही हमको, तो आप लोग इसको इग्नोर करना। तो वो डिसीजन दिए हैं कि देखो, दूसरे का वीडियो से चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता है, कल के डेट में खुद तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम अभी जो भी मेरा उस टाइप का वीडियो था उसको हम अनलिस्टेड करके रखे हुए हैं। तो अभी सिर्फ उस वीडियो को अनलिस्ट किया जो वायरल चल रहा था मेरा, 4.56 मिलियन तक क्रॉस किया हुआ था। तो अभी उसको नहीं किए हैं, लेकिन कर देंगे उसको भी बहुत जल्द। और गाइज, लाइफ में तो टेंशन सबका होता है, तो मेरे साथ भी अभी उसी तरह से टेंशन। एक मेरा यूट्यूब का चैनल और एक मेरा दूसरा हस्बैंड मेरा हमको परेशान करके रखा हुआ है। उसको कुछ भी बोलते हैं तो उसको लगता है कि हमको बात उससे बात करने के लिए स्पेशल उससे बात करने के लिए हमको आता नहीं है। तो कैमरे को कहीं पर मतलब फ़ोन को कहीं पर रख लेते, क्योंकि मेरा हाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द देने लग रहा है। और बैठ लेते हैं और आप सबको पूरे डिटेल्स में बताते हैं कि तो गाइज देख सकते हैं हमारे पास ना ट्राईपोड वगैरह कुछ भी का व्यवस्था नहीं है, और इधर कुछ ईट वगैरह भी नहीं है कि हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फोन को रखेंगे, भी यहाँ पे सेट करेंगे और फिर हम आप सबसे बात करेंगे। तो गाइज आप सब देख लिए कि मेरा वीडियो बनाने का सेटअप क्या था, और बाहर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि घर में ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा टाइप से वीडियो आता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। और बाहर में वीडियो बनाने से ना पूरा मतलब फ्रेश लगता है। तो अभी हम अपना मोबाइल को सेट कर दिए हैं और अब आगे आप सबसे बात करते हैं। तो गाइज़, आप सबको पता है ना कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, जिसमें हम 2-3 लोग से बात किए हैं, तो वो लोग भी बोले कि हमको कुछ वैसा आइडिया पता नहीं है। तो हम बोले कि ठीक है। तो फिर एक भैया से बात किए, वो भी बोले कि दूसरा का वीडियो पॉसिबल नहीं, अगर तुम अपना कोई भी थोड़ा सा ओवर वॉइस वगैरह भी तुम्हारा कोई छोटा सा भी कंटेंट रहता तो शायद एक्सेप्ट हो सकता था। और जिस चीज़ का डर था, और मेरे साथ वही हो गया। और हम मतलब पहले से ही डरते थे, कि हमको पता था कि दूसरा का वीडियो हम मतलब डालने से ना चैनल पे कोई इफ़ेक्ट गलत वाला पड़ जाता है। तो पता नहीं अचानक से हमको क्या हो गया, जब हम दूसरे का वीडियो इंस्टाग्राम से कॉपी करके और लिंक को कॉपी करके और गूगल से डाउनलोड करके और डालते थे तो व्यूज़ अच्छा आता था। तो हम सोचे कि चलो डाल देते हैं। लेकिन गाइस देखो, अगर आपके पास कम चीज़ है तो उसी का अहमियत दो, ज़्यादा होने के बाद ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब गलत रास्ता चुन लेता है। और वो चीज़ ज़्यादा करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार ही करना चाहिए। और लालच बहुत बुरी बात है। और पता है, जब हम वीडियो डाले थे तो हमको नहीं पता, उस टाइम हम डिलीट कर देते, वही बेटर रहता ताकि अभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना होता। और कोई बात नहीं है, जो भी वीडियो था हम उसको अनलिस्ट कर दिए। और रहा बात मेरे हस्बैंड और मेरे बीच लड़ाई का, तो देखो सबके घर में लड़ाई का माहौल रहता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि
भाई देखो, आप अपनी वाइफ को लोगों के सामने गिरा दो और खुद भी वैल्यू ना दो, कोई बात नहीं, इससे हमको हमको एकदम इतराज नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आज फर्स्ट टाइम क्रिएट नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, तो हम इस चीज़ को झेलते झेलते आज यहाँ तक पहुँच गए हैं। बट आप सबसे शेयर इसलिए कि 2-3 दिन से हम यूट्यूब को लेकर इतना टेंशन में है। ऊपर से मेरे हस्बैंड जो है, मतलब मैं उसका बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं वो हमको समझ सकते हैं या अभी भी समझ रहे हैं या नहीं रहे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी बात बोलते, उनका है कि बस बात करो, उनको कमाने के लिए बोलते हैं तो मेरा आवाज़ गलत लगता है, कुछ सही काम करने बोलते हैं तो मेरा आवाज़ लगता है, तो लास्ट में पता है हम चैट करके उसको एक ही बात बोले कि अगर एक दूसरे के बीच में मतलब समझदारी नहीं है, हम उसको नहीं समझ सकते हैं, वो हमको नहीं समझ सकता है, तो ऐसा जो रिलेशन होता है ना वो बहुत ख़राब होता है। इस तरह से किसी का ज़िंदगी कितना दिन चलेगा, आप ही सब बताओ। तो हम ये सब चीज़ ना झेल झेल के हम भी पागल हो गए हैं, और बस एक ही बात बोल बोल के शायद हम परेशान हो गए, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं परेशान हुए होंगे। अगर वो परेशान होते तो मेरे साथ ऐसा सीन क्रिएट नहीं करते हैं। लड़ाई होता है तो बात निकलता है, तो जब हम बात पूरा डिटेल्स में करने लगते हैं, वो क्या करते हैं, फ़ोन काट के और मेरा नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पहले तो ये होता था कि वो मेरा नंबर ब्लॉक कर देते थे, तो हम मेरा आदत था कि दूसरा तीसरा से फ़ोन ले करके और फिर उससे कांटेक्ट करना, और उस टाइम भी ऐसा होता था कि वो दूसरे के नंबर से भी फ़ोन करते थे तब भी वो नंबर ब्लॉक कर देता था। लेकिन अब मेरा आदत हो गया है, क्योंकि एक ही चीज़ देखते देखते अगर इंसान के लाइफ में हो रहा है तो वो चीज़ सच में आदत बन जाता है और उसको उस चीज़ को झेलना आ जाता है। तो हम समझ गए हैं कि मेरा कोई भी बात तो उसको बोलना बुरा लगता है, या फिर मेरा बात समझ में नहीं आ रहा हो उसको, या फिर वो मेरे बातों पे ना चलना चाह रहा होगा उसको, मतलब कुछ भी सही बात, आज तक देखो गलत बात उसको हम कुछ भी नहीं बोले। सबसे पहली बात कमाने को लेकर, दूसरी बात पैसा बचाने को लेकर, तीसरी बात ढंग से रहने को लेकर, बस यही और यही मैटर है कि हम लोग के बीच में लड़ाई होता है और कुछ नहीं। उसका कहना है डायरेक्ट तुमको खाना मिल रहा है ना, खाओ और रहो आराम से। तो भाई ज़िंदगी है खाने के साथ साथ, हर अभी के जेनरेशन में खास करके खाने के साथ साथ हर चीज़ बहुत ज़रूरी होता है, और ये मेरे हस्बैंड नहीं समझते। अगर समझते तो हमको ये बात नहीं बोलते कि तुम सिर्फ खाने से मतलब रखो। और पता है कुछ भी मैटर होता है, जो चाहे वो अपना घर का मैटर हो या पर्सनल मेरा मैटर इस और मेरे हस्बैंड का मैटर हो, अगर हम उससे पूछते हैं ना तो बार बार वो हमको बोलता है कि तुमको उससे क्या मतलब है, तुम अपने आप से मतलब रखो। भाई बीवी है, कोई रखेल तो नहीं है, तो मतलब तो ज़रूर रखेंगे। भले उसके रिलेशन से हमको मतलब नहीं है कि उसके पास क्या है नहीं है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन तुम है तो तुमसे तो हमको मतलब ज़रूर रहेगा। तो कोई बात नहीं, जिसको जो करना है कर रहा है, किया और मे बी आगे करेगा। बस बुरा ऐसा लगता है कि देखो हस्बैंड भाई मेरा है तो वो इंसान आज तक हमको नहीं समझा, बस मुंह से इतना निकाल देता है कि तुमको किस चीज़ का कमी करते हैं। आई नो, बट क्या है नहीं है डिटेल्स में हमको पता है, लोगों को बताना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है और डिसीज़न बहुत जल्द हम अपना लेंगे, क्योंकि ऐसे रिश्ते को ज़बरदस्ती चलाना मेरे लिए भी कोई बेनिफिट नहीं है। भले देखो मेरे इंसान के पास कुछ हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को समझे और यही बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी फैमिली हमको कुछ बोल दे और हम अगर इसको बोल दे कि हाँ कोई मेरे बारे में ऐसे बोल रहा था या तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रहा था, तो उस टाइम वो एक्शन नहीं लेता है। लेकिन अगर हम तुम लोग का भाषा बोल देंगे ना कि तुम लोग चाहते हो कि सिर्फ हम इस घर में, मतलब होता है ना बस मतलब ही जैसा हम रह रहे हैं,
तो तुम लोगों को लेकर वो मेरे से कल बहुत लड़ाई कर लिया, क्या तुम मेरी माँ बहन मेरे रिलेशन वालों को ऐसे बोलती हो वैसे बोलती हो। भाई कोई बात नहीं, किसी को है, कोई भी है, सबको दुख लगता है, लेकिन दुख हमको भी है कि जब मेरे साथ ऐसा हो और तुम एक्शन लो तब हमको भी अच्छा लगेगा। लेकिन सिंगल ऐसा नहीं ना होता है कि कोई हमको लड़के मार के गाली दे के निकल जाएगा, और उस टाइम पता है मेरे हस्बैंड क्या बोलते हैं, जो बोल रहा है उसको जाकर पूछो तुम, और जब हम बोलते हैं तो उल्टा मेरे ऊपर ही वो चढ़ जाता है। कोई बात नहीं, जिसको जैसा करना है भाई करो, जब तुम हमको नहीं समझ सका तो हम तुमको क्यों समझे। आज इतना दिन हो गया शादी को, लेकिन यही बात समझाते समझाते थक चुके हैं कि भाई कमाओ खाओ अच्छे से ज़िंदगी रहो। हर इंसान चाहता है कि अपना ज़िंदगी को कुछ अलग लेवल पे ले जा कर के रखे, लेकिन कब, जब पहले उसके पास कमाने का जरिया हो, रहने का जरिया हो, अच्छे से चलने का जरिया हो, तब। कोई बात नहीं गाइस, देखो ये बात हम लोग, मेरा पुराना हो चुका है, हम लोगों का तो बात नहीं कर सकते हैं, मेरा ये पुराना हो चुका है, जिक्र इसलिए किए कि देखो हमसे ना ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। अगर हमको कोई बुरा बोल देता है ना, तो और मेरे हस्बैंड के साथ अगर वो मेरे से लड़ाई करते करते फ़ोन काट देना तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और इस चीज़ को हम एकदम बर्दाश्त नहीं करते हैं। वही है, लड़ाई हो जाएगा, पूरा बात क्लियर हो जाए, फ़ोन काट दो भाई, उसके बाद हमको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बात करते करते फ़ोन काट देना, हट हट बोलना, ये कोई इज्जत नहीं है मेरा उसके पास। तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे हर वीडियोस को पूरा देखा करो, ताकि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अभी तक तो कोई इशू नहीं है, बस शॉर्ट्स वीडियो को लेकर थोड़ा सा हम परेशान हो गए थे, और कुछ नहीं है वैसा। और रहा बात मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग के लाइफ में ऐसा बहुत पहले से चल रहा है, अगर हम जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करके और मेंटेन करके चलते हैं ना, शायद उसकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरी लड़की रहती तो नहीं चल पाती, ये हम दावे के साथ बोलते हैं, और ये चीज़ उसको भी अच्छे से पता है। अभी की डेट में हर एक लड़कियाँ चाहती है कि उसका लेवल अलग हो, रहने का, पहनने का, चलने का, लेकिन आज तक ये चीज़ हमको कभी नहीं मिला। और कभी कभी रोना भी आ जाता है, कल रात में लड़ाई के बाद हम इतना ज़्यादा रोए, और आज भी सोचते सोचते इतना रो गए थे, आज अभी भी मेरे आँख में आंसू आ गया, बस यही सोच के रो देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे हस्बैंड को। तो गाइस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, और वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, और आप सबसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ।